जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दीपक नूर आज आपको अपने साथ लेकर चल रहा हूँ राधा रानी की जन्म स्थली बरसाना में, जहाँ पर आज खेली जाएगी विश्व विख्यात लठ मार होली। दोस्तों, आपने अपने जीवन काल में इतनी सुंदर और इतनी रंगीली होली कभी भी नहीं देखी होगी, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो चलते हैं बरसाना की लठ मार होली में। राधे राधे जी। जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप? बहुत अच्छे भैया। तो अभी आप लठ मार होली खेलकर आए हैं, और मैंने सुना कि ये जो बरसाना जो नंदगांव से ग्वाल आए थे और यहाँ की गोपियाँ होती हैं, तो ये प्रथा कब से चली आ रही है आपकी यहाँ? ये भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था ना, तब से चल रही है। राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण ने ही शुरू किया था इसे जी, तभी से ये प्रथा चली आ रही है, तभी से हम इसे चलाते हुए चले जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ जब होली खेलने के लिए आए, तो भगवान श्री कृष्ण गोपियों से बच के ब्रज दूल्हा मंदिर में छिप गए थे, इसके पीछे क्या रहस्य है? की जो गलियां है, कुंज है जी, इन सभी कुंजों में होलियां होती थी जी, और होली खेलते खेलते एक साथ ही जाकर के दुबक करके बैठ गए। या गोपियों ने कहा कि हमारा फगवा लाओ। हाँ, फाग खेलन बरसाने में आए है नटवर नंद किशोर, और घेर रही सब गली रंगीली, छाए रही सब छटा छबीली जी, जब ढपढोल मृदंग बजाए है दैवंशी की घनघोर, सखियन ने पकड़े बनवारी और नरते श्याम बनाए दी नारी, कट लहंगा पहराए है देख काजर की कोर, फाग खेलन बरसाने में आए है नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। गोपियन ने पकड़े गिरधारी सब सखी जो लाला घर जानो चाहो, तो राधे जू की हवा खाओ और सब सखियन के घर पहुंचाओ, जो होली का फगुआ है सब सभी सखियों के घर पहुंचाओ, तब आपको छोड़ा जाएगा, इसलिए जाकर के वो छुपे थे। ये कृष्ण भगवान के साथ किया? ये भगवान के साथ ही होता है। क्या बात है। तो मैं पूछना यहाँ हर घर से गोपियाँ निकल के जाती हैं और इसी तरीके से सज सवर कर जाती हैं और लाठियाँ चलाती हैं, तो कैसा महसूस होता है? महाराष्ट्र वाली लीला है जी, जैसे महाराष्ट्र के समय पे भगवान के साथ सभी सखियाँ थी ब्रज की जी, उसी प्रकार से बरसाना की पूरी गोपियाँ जो भी है सब किशोरी जी का स्वरूप है। आज के दिन लाठियां लेकर के किशोरी जी के स्वरूप में लाला के ऊपर में लाठियां बरसाने के लिए जाती है जी। ये है बरसाना की रंगीली गली, जहां से लठमार होली की शुरुआत होगी। और ये देखिए, गोसाई समाज तैयार होके खड़ा हो चुका है और शलोक होंगे, और उसके बाद में लठमार होली की शुरुआत होगी। ये देखिए किस तरीके से ग्वाल बैठे हुए हैं, बहुत ही खूबसूरत। राधे राधे बाबा। ये देखिए, ये है रंगीली गली, बरसाना की वो रंगीली गली जहां से लड्डूमार होली की शुरुआत होगी। हुकाना बरसाने में आ जइयो, बुला रही राधा प्यारी। ये देखिए दोस्तों, किस तरीके से ग्वाल बाल सजे हुए हैं, और ये बरसाना की रंगीली गली। तो आज लठमार होली है, तो कैसा फील कर रहे हैं मेरे भैया? तो ब्रज आम ब्रज जनों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, इस दिन भगवान श्री कृष्ण यहाँ अपनी संग सहेलियों के साथ लठमार होली खेलने के लिए आते हैं। बड़ा आज ये अद्भुत आनंद है। तो लठमार होली की शुरुआत इस रंगीली गली से ही होगी? जी 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 जी, यही एक स्थान ऐसा है। तो कुछ यहाँ का कुछ श्लोक सुनाइए, राधा कृष्ण का कोई दोहा। मैं तो हरियाणा से हूँ। हरियाणा से मैं हूँ भाई। राधा रानी की जय। ओ ओए राधे राधे बोल, बंदे मन के पटले खोल, कर ले जीवन सफल, फिर न होगा ये कल।
ओए राधे राधे कृष्णा से कृष्णा कृष्णा राधे से कर ले मिलन। और ये रंगीली गली बरसाना देखे किस तरीके से चकाचक भर चुकी है और सभी लठमार होली का आनंद लेने के लिए आज यहाँ पर पधारे हुए हैं। और ये रंगीली गली और ये पूरा पुलिस प्रशासन देखिए किस तरीके के सशक्त तरीके से खड़ा हुआ है और यहाँ पूरी मेहनत में लगा हुआ है पूरा पुलिस प्रशासन। यूपी पुलिस को सैल्यूट बनता है इस पूरी कार्य के लिए। और ये रंगीली गली और ये देखिए ग्वालाएं तैयार हो चुकी है और नंदगांव से ग्वाल आने वाले हैं और गोपियां लठों से उनका स्वागत करेंगी। लठमार होली की शुरुआत कुछ समय बाद होने वाली है। और ये देखिए रंगीली गली में लठमार की शुरुआत हो चुकी है और ये हमारी ताई लट से इनका स्वागत करते हुए राधा रानी की कृष्ण भगवान की तपस्या की राधे तू बड़ भागनी रे कौन तपस्या की जीव लोक तारण सो तेरे आधी में बजाए गयोरी तेरे अंगना में बांसुरी बजाए गयोरी तोहे मुख पे तिले बनो रे काहे करूं प्रणाम तोहे मुख पे तिले बनो रे काहे करूं प्रणाम कोई माधो चंद खाए ने कोई कोड़े साले राम बजाए गयोरी होली खेलन आयो तो ते होली आयो अटपटी भाग लटपट गे मन अटपटी भाग लटपट बे और लेनन बीच समायो सो लाला तो ते होली खेलन आयो डगर डगर और बगल बगल में नगर और बगल बगल में सब इनके मन भायो सो लाला तो ते होरी खेलन आए। लठमार होली शुरू हो चुकी है। राधे राधे और ये रंगीली गली बड़े बड़े में और पंचाले की कुल
बरसाना की जो लठ मार होली है उसकी शुरुआत रंगीली गली से हो चुकी है और जो नंदगांव के ग्वाल हैं वो आ चुके हैं आज और बहुत ही खूबसूरत बोला जी ये ग्वाल वाला है सच चुके हैं। राधे राधे जी, जय श्री कृष्ण। राधे राधे सर, कैसा फील कर रहे हैं आप आज? बहुत आनंद आ रहा है, चारों तरफ आज लठ मार होली की धूम मची हुई है जी। देश प्रदेश से लाखों लोग यहाँ बरसाना में पहुंचे हुए हैं, माता रानी की कृपा बरस रही है और सब रंगों में एक दूसरे में मिले हुए हैं, सारे बेरंग हुए हुए हैं, चार दोबार टूट गए हैं। आज लगता है कि पूरा भारत बरसाना में आकर के बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये लठ मार होली की शुरुआत हो चुकी है और ये पंडित जी तो और ये ग्वाल वालाएं सर धज कर आ चुकी हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत। और अभी कुछ ही देर में यहाँ पर लठ मार होली की जो शुरुआत है वो होने वाली है।
बेटा पुराने चावल है। और ये नंदगांव की बहुत ही खूबसूरत आए हैं ग्वाल यहाँ पर और बरसाना में लठमार होली का भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी लठमार होली में जरूर किसी न किसी रूप में यहाँ प्रकट होते हैं, खेलने आते हैं, तो क्या ये सच है? हाँ जी, ये सच है। जब हम भगवान से बिने मारते हैं नंदगांव वालों को, तो हमें ऐसा ही लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और ऐसा ही भाव आता है हमारे मन में और उनके मन में भी यही होता है कि वो राधे रानी के साथ खेल रहे हैं। खेलते हैं ना तो वो चरण छूते हैं उठ के, वो भी यही भाव मानती हैं कि राधा रानी, राधा रानी मानकर ही वो खेलते हैं और हम कृष्ण मानकर खेलते हैं। चलो जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब चीजें जान के। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्राचीन कहावत है दोस्तों, अगर आपने ब्रज की होली नहीं देखी तो आपने अपने जीवन में कभी कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि ब्रज के लोगों का मानना है कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी और राधा रानी स्वयं होली खेलने के लिए आते हैं। हर जगह पर मैंने देखा है कि होली एक या दो दिन की होती है, लेकिन ब्रज एक ऐसा स्थान है जहाँ पर होली 40 दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।